नमस्कार, मैं थानाधिकारी कपासन आपसे अपील करता हूँ कि विगत कुछ दिनों से कपासन नगर और कपासन थाना क्षेत्र में कोविड संक्रमण बहुत अधिक फैल रहा है और बहुत से संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो गाइडलाइन की पालना किए बिना दूसरे बहुत से लोगों को और संक्रमित कर रहे हैं। आपसे पूर्व में भी प्रशासन द्वारा और राज्य सरकार की गाइडलाइन से ये निर्देशित किया गया कि एक निर्धारित समय जो दे रखा है उसमें आप अपने घर से निकटस्थ जो भी किराना की दुकान है वहाँ से और दूध की दुकान है वहाँ से आवश्यक वस्तु खरीद करके और तुरंत अपने घर लौट जाए। ये जो 5 घंटे दे रखे हैं इसके अंदर आपको और कोई काम नहीं करना है। आप इस दरमियान लोगों से मिलने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं कहीं पर, कई जगह कोशिश करते हैं शादियों में जाने के लिए। अभी कोई नाराज़ नहीं होगा, किसी शादी में नहीं जाओगे तो लोग समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, इसको आपको रोकना होगा। दूसरी बात, अभी जो संक्रमण जो फैला है वो बहुत अधिक संख्या में है और संक्रमित व्यक्ति जो है वो अपने घर में ही रहने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पे जिलाधीश महोदय ने कोविड सेंटर, केयर सेंटर बनाए गए हैं, जो कपासन के अंदर 2 कोविड केयर सेंटर है। एक महिलाओं के लिए है जो कस्तूरबा छात्रावास है, उसमें 50 बेड की व्यवस्था है और जो मेडिकल स्टाफ है वो वहाँ पर राउंड द क्लॉक वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह से पुरुषों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जो है कपासन का, उसमें 100 बेड की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर आज की तारीख में नगण्य से लोग और वहाँ पर मौजूद है, मुश्किल से 3-4 लोग हैं, जबकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि आपका इलाज जो है अच्छे ट्रेंड मेडिकल स्टाफ के द्वारा हो सके और आपके ऊपर निगरानी की जा सके कि आपका इलाज सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने घर पर रह करके आप स्वयं खतरे में हैं और घर के अन्य सदस्यों को भी खतरे में रख रहे हैं। तो कोशिश करें कि हमें संपर्क करें या आप स्वयं चाहें तो भी वहाँ पर सीधा जा करके अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। दूसरी बात, जो पशु रखते हैं, जो पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करनी है, खेत पे जाना है, वो एक निर्धारित समय में जाएं, कस्बे के अंदर यहाँ वहाँ कहीं चबूतरी पे बैठे नहीं। जो दूध दूध के व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यही लागू है कि वो अपने मवेशियों का ध्यान रखते हुए जो भी दूध निकालने का समय है वो करके पुनः अपने घर लौट आएँ और उसके बाद में घर में ही रहे। घर के अंदर रहना मतलब बाहर चबूतरी पे बैठ करके गॉसिप्स करनी, बातें करनी, वो ठीक नहीं है। आप घर के अंदर रहें, घर अंदर से बंद कर दें। अभी कुछ दिनों से हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं तो वहाँ हालात ये है कि जो नवयुवक साथी है वो झुंड के झुंड बना करके और फिर आपस में बैठ के बातें करते रहते हैं। ये थोड़ा सा विपरीत दौर है, इसके अंदर स्व अनुशासन की बहुत आवश्यकता है और आप इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलेगा। हो सकता है आप युवा हैं, आपको इसका असर कम लगेगा, लेकिन आप अपने घर जा करके अपने बच्चों को और आपके घर में जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनको ये संक्रमण देके उनके जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरी अपील को स्वीकार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है संक्रमित यदि हैं तो वो कोविड सेंटर में जाएं और वहाँ पे अपना इलाज कराएं। यदि आपको वहाँ पे किसी अव्यवस्थाओं को ध्यान में आता है तो आप हमारे नज़र में लाएँ। उपखंड अधिकारी हैं, डिप्टी SP साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, थाने का फ़ोन हमेशा चालू रहता है 24 आवर्स, आप वहाँ बता सकते हैं। और कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई और बात है जहाँ आपको घर से बाहर निकलना है, आप निश्चित रूप से थाने पे बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको जितना जल्दी होगा रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी मदद के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो सरकारी गाइडलाइन है, जो प्रशासन बताता है, हमारे कई ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी, ग्राम सेवक, हमारे जो पीट कॉन्स्टेबल्स हैं वो जो भी आपको निर्देश देते हैं उनको सुने, वो आप ही के लिए हैं और आपकी सेवा के लिए हैं। वो खुद कई लोग इतने संक्रमित होकर के गंभीर बीमार भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपकी हेल्प के लिए वो लोग वहाँ पे चौराहे पे खड़े हैं। तो उनकी मदद करें, उनका सम्मान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें, जो संक्रमित अगर हो गए हैं तो निश्चित रूप से कोविड सेंटर में जाए और वहीं अपने जो ट्रेन मेडिकल स्टाफ है उनकी निगरानी में अपना इलाज लें, जिससे कुछ जो मृत्यु हुई है यहाँ पे कपासन में विगत कुछ दिनों से
तो उसे रोका जा सके और आप सब लोग स्वस्थ रह सके। धन्यवाद।